हेलो एवरीवन गुड इवनिंग मैं हूं मानसी और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जितने भी बच्चे सी यू ई की तैयारी कर रहे हैं अब काफी कम टाइम बचा है तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन लेके आई हूं मैं um, सारे सेक्शन सारे प्रोविजन हम नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि सी यू में एल के लिए अगर आप दे रहे हैं सी यू लॉ अगर आप दे रहे हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स um, हैं बहुत कुछ है कवर करने के लिए टीपीए में से मैक्सिमम यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आएंगे दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा आपके सी यू में वैसे ये जो रिविजन है ये कोई भी लॉ स्टूडेंट अपने लिए यूज कर सकता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे जुडिशरी हो चाहे आपके एल um, एल वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हो या कोई लॉ ऑफिसर एग्जाम्स हो सभी के लिए um, ये रिविजन वीडियो इंपॉर्टेंट है और सभी इसको यूज कर सकते हैं अपने रिविजन के लिए तो उन सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसोसिएटेड विथ लॉ बस और लाइक करिए शेयर करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए अब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बात करता है 1882 में आया था क्या बात करता है हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी कितने तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है और कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा उसके बारे में ये बात करता है ahead. तो प्रॉपर्टी कितने तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है इस एक्ट के जब आप अपने टाइटल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जितने भी चैप्टर्स के नाम हैं जैसे ही आप चैप्टर्स के नाम पढ़ेंगे आपको वही पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी कितने तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है अब उस प्रॉपर्टी को कैसे रेगुलेट किया है उसके लिए हमें सेक्शन देखने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर टू है वो बताता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे हो सकती है एक्ट ऑफ पार्टी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ठीक है इसके बाद जो आपका चैप्टर थ्री आता है वो बताता है कि सेल से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है फिर जो आपका चैप्टर फोर है वो बात करता है कि मॉर्टगेज से प्रॉपर्टी आपकी एक सेकेंड चैप्टर फोर बोलता है कि मोर्टगेज से आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है चैप्टर फाइव आपका बोलेगा कि सेल एक सेकेंड अरे सेकेंड एक मिनट एक, एक सेकेंड रीजे मुझे ये हैंग हो गया है सेल से अरे यार क्या हो रहा है एक सेकेंड हाँ ठीक है सेल से हो सकती है मॉर्टगेट से हो सकती है इसके बाद जो हमारा चैप्टर सिक्स है वो क्या बोलता है लीज के थ्रू हो सकती है चैप्टर सेवन आपका बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम के थ्रू हो सकती है ठीक है चैप्टर सेवन जो हमारा है सॉरी चैप्टर सिक्स जो है वो एक्सचेंज के थ्रू बताता है कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है चैप्टर सेवन बोलता है गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है और चैप्टर एट हमारा बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है तो प्रॉपर्टी कितने तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है पहला तरीका है हमारा सेल दूसरा है आपका मोर्टे मोर्टगेज थर्ड है आपका लीज फोर्थ है फोर्थ है गिफ्ट फिफ्थ है आपका एक्शनेबल क्लेम और एक और जो यहाँ बीच में छूट गया गिफ्ट के पहले ही आता है आपका यहां पर आएगा एक्सचेंज तो देर आर सिक्स वेज छह तरीकों से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो सकती है और अब इन छह तरीकों से प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो सकती है उसी के जो रूल्स हैं वो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुए हैं टोटल हमारे यहाँ पर चैप्टर्स कितने हैं यहाँ पे आपके टोटल एट चैप्टर्स हैं और 137 वन थर्टी सेवन सेक्शन है आपके और एट चैप्टर्स हैं तो अब हम शुरू करते हैं इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है डेट डेट ऑफ ऑफ इनैक्टमेंट है 1888 और है और एनफोर्समेंट आपका फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एटीन एटी टू एप्लीकेबिलिटी क्या है होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है बट जब इनिशियली ये एक्ट आया था तब ये बॉम्बे पंजाब और डेही में नहीं अप्लाई होता था अब ये बॉम्बे और दिल्ली में एप्लीकेबल है वहां की स्टेट्स ने नोटिफिकेशन निकाल के अः वो स्टेट्स भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अप्लाई कर चुके हैं बट शायद पंजाब में अभी भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है अब ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होता है हमने सेकेंड चैप्टर की हेडिंग में ही देख लिया था कि एक्ट है एप्लीकेबल है एक्ट ऑफ पार्टीज पे अगर पार्टीज जहां ट्रांसफर कर रही है वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है जहां पर ट्रांसफर बाय कोर्ट हो रहा है या फिर जहां पर ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन सेवन में जहाँ दिया हुआ है वहां पर ट्रांसफर होता है बाय कोर्ट ऑल्सो अदरवाइज कोर्ट के थ्रू यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है और चैप्टर फोर में जो प्रोविजन दिए हैं उसमें भी ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर हो सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता अब हम आ जाते हैं सेक्शन थ्री पे सेक्शन थ्री है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो कि डेफिनेशन देता है यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक्चुअल में यहाँ डेफिनेशन नहीं दिया यहाँ सिर्फ ये यह दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होगा तो ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टेम्पर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास स्टैंडिंग टेम्पर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो है वो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा हमें रेफर करना पड़ेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट को जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो कहती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लैंड थिंग्स अटैच टू लैंड एंड राइट अराइजिंग फ्रॉम द लैंड तीन चीजें होती हैं आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड राइट्स फ्रॉम लैंड लैंड राइट्स फ्रॉम लैंड एंड थिंग्स अटैच टू लैंड तो लैंड का क्या मतलब है जहां मैं खड़ी हूँ जो जमीन है जो सॉइल है वो सब लैंड है और उसके साथ जो भी एयर हमारी जमीन के ऊपर जो भी हवा है वो भी लैंड का ही पार्ट फॉर्म करती है अब थिंग्स अटैच टू लैंड की जब हम बात करते हैं या जो थिंग्स अटैच टू अर्थ है वो यहीं पर हमें टीपीए में ही डिफाइंड है थिंग्स अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है रूटेड इन अर्थ एम्बेडेड इन अर्थ and attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment rooted का मतलब क्या जो कि जिसकी रूट्स जो है वो जमीन में है जैसे कि आपके ट्रीज हो गए श्रब्स हो गए ये सब जो भी हैं, ये क्या हो जाते हैं rooted in earth में आ जाते हैं embedded in earth का क्या मतलब है जैसे कि आप थोड़ी सी नींव खोद के अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करते हो जरा सी नींव खोद के एक घर बनाया जाता है तो जो भी घर है दीवार है बिल्डिंग है वो सब क्या है वो सब एम्बेडेड है अर्थ में हमने उसको इम्बेड किया है अर्थ के अंदर दैट इज एम्बेडेड इन अर्थ अटैच टू वॉट इज सो एम्बेडेड मतलब जो आपकी दरवाजे हैं खिड़कियां हैं ये सब जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो भी अर्थ में एम्बेडेड है जो भी अर्थ में ठसा हुआ है उसमें हमने खिड़की लगाई है दरवाजे लगाए हैं ये किस लिए है उसके परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए हम वो खिड़की दरवाजे निकाल देंगे तो हम उस घर का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट माना जाता है अब तीसरी चीज क्या आती है हमारी राइट राइट अराइजिंग फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट अराइजिंग फ्रॉम लैंड राइट अराइजिंग फ्रॉम लैंड से क्या मतलब है आपने अपने घर को किराए पे दिया उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है आपने फिशरी करी फिशिंग करी आपने तो फिशिंग जो है वो भी आपकी राइट अराइजिंग फ्रॉम लैंड है ना राइट अराइजिंग फ्रॉम अर्थ है ये सब जितनी भी राइट्स आप अपनी प्रॉपर्टी uh, से डिराइव करते हो जो भी प्रॉफिट्स आप अपनी प्रॉपर्टी से डिराइव करते हो वो सब राइट्स अराइजिंग फ्रॉम योर प्रॉपर्टी के उसमें आ जाते हैं ठीक है राइट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें आ जाती है उसके बाद जो सेकेंड हमारी डेफिनेशन है वो क्या है इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है इंस्ट्रूमेंट मीन अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट

है है इसके बाद मतलब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं है, तब हमें चाहिए होता है कि एटलीस्ट दो, दो, दो से ज्यादा विटनेसेस द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए डॉक्यूमेंट कैसे साइन होना चाहिए एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में एग्जीक्यूटेंट कौन होता है जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके प्रेजेंस में या जिसने जैसे मैं बनवा रही हूं कोई डॉक्यूमेंट मैंने एक अग्रीमेंट टू सेल बनवाया है मेरे खुद के घर के लिए तो मैं एग्जीक्यूटेंट एग्जीक्यूटिव भले ही उसको टाइप टाइप राइटर ने कराओ हो टाइप राइटर एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा मैं एग्जीक्यूटेंट हूँ मेरी प्रेजेंस में दो लोग उसको अटेस्ट करेंगे दो लोग उसको साइन करेंगे या तो मेरी प्रेजेंस में साइन करेंगे या फिर मैंने उनको बताया है मतलब या तो मेरी प्रेजेंस में और दोनों विटनेसेस मेरी प्रेजेंस में साइन करेंगे या फिर मैंने उनको बताया है कि हाँ पे मैंने खुद ही साइन करा है तब वो वहां साइन करेंगे और उसको अटेस्टेशन कहा जाएगा अटेस्टेशन का कोई भी परमानेंट फॉर्म नहीं होता है कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है कैसे भी अटेस्टेशन हो सकता है बस दो या दो से ज्यादा विटनेसेस होने चाहिए एग्जीक्यूटेंट के सामने साइन करना चाहिए या एग्जीक्यूटेंट की इंफॉर्मेशन उनको मिली होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटेंट ने वहां खुद ही साइन करा था इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का क्या मतलब है जो भी इंडिया में या इंडिया जहां पे भी आ, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है उन टेरिटरीज में जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है वही यहाँ पर रजिस्टर्ड है इसके बाद है हमारा अटैच टू अर्थ हमने कर लिया फिर हम आते हैं एक्शनेबल क्लेम पर एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब होता है एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है पहला तो कोई डेट कोई डेट और दूसरा होता है कोई भी बेनिफिट फ्रॉम अ मूवेबल प्रॉपर्टी बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम अ मूवेबल

कोई सामान लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन जब कोई जैसे पायल रख के या गोल्ड अपना रख के कोई कोई सामान लेता है दैट इज हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना और मॉर्डगेज क्या होता है जब हम घर को मॉर्डगेज करते हैं मॉर्डगेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है तो डे एक्शनेबल क्लेम में कैसी डेट आती है एक्शनेबल क्लेम, क्लेम में वैसी डेट आती है जो कि सिक्योर्ड नहीं है ना ही कोई चीज गिरवी रखी गई है ना ही कोई घर गिरवी रखा गया है इसका क्या मतलब है जैसे कि मैंने मेरे दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए और मैंने उससे कोई सिक्योरिटी नहीं ली तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम में आएगा जब कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उससे जो प्रॉफिट अराइज होते हैं वो कहाँ आते हैं वो भी आपके एक्शनेबल क्लेम में आते हैं फिर आप एक जनरल एग्जाम्पल ले लो कि मैंने किसी को अम्म सौ बोरे चावल के बेचे और वो सौ बोरे चावल के मैंने उसको बेच दिए मैंने उससे पैसा ले लिया बट जो बोरे हैं वो मैंने उसको अभी तक दिए नहीं तो ये जो सौ बोरे मेरे वेयर हाउस में पड़े हैं ये क्या है इन बोरों के ऊपर उसका राइट है जिस इंसान को मैंने बेचा था उसका राइट है तो उसका एक्शनेबल क्लेम है 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 इन चावल के बोरों के बोरों ऊपर ठीक है? तो ये क्या है? आराइजिंग ये क्या बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी पर कैसा होना चाहिए ये डेट या ये बेनिफिट जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ योर मूवेबल प्रॉपर्टी ये कैसा होना चाहिए दिस शुड बी रिकॉग्नेज रिकोगनाइज बाई दी कोर्ट ये कोर्ट जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इससे आपको एक राइट right मिल सकती है ठीक है और ये फिक्स सम का होगा और फिर इसी एक्शनेबल क्लेम को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसके बाद आता है हमारा अ पर्सन इज सेट टू हैव नोटिस अ पर्सन इज सेट टू हैव नोटिस का क्या मतलब है? नोटिस की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है नोटिस जो है वो दो तरीके का हो सकता है एक होता है एक्चुअल और एक होता है कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल नोटिस का क्या मतलब है कि जहां पर किसी को एक्चुअली पता होता कि वॉट इज द फैक्ट एक्चुअली नोज दैट फैक्ट वो होगा एक्चुअल नोटिस और जहां पर अगर वो किसी इंक्वायरी को करता या कोई नेग्लिजेंस नहीं करता तो उसको कोई फैक्ट पता चल सकता था तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और साथ में ही अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है किसी स्टेट में कोई डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो ऐसा माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका भी वहां उस डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उन सबको उस उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता है दैट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अगर एजेंट को कुछ पता है प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई न्यूज है जो कि एजेंट के पास है तो भी माना जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है अगर एजेंट को पता है तो भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा और एक्सप्लेनेशन टू अगर आपका कहता है कि अगर कोई इंसान है जो कि पजेशन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पजेशन में है तो अगर कोई और है जो वो इमोवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो ऐसा आ, ऐसा कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा ऐसा माना जाएगा कि जिस इंसान के पोजेशन में वो इमोवेबल प्रॉपर्टी है वो उसी की प्रॉपर्टी है तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आती है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पोजेशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड नोटिस ऑफ एजेंट और कोई दूसरी ऐसा दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यू कुड हैव नोन बट फॉर इफ यू हैव डन एनी इंक्वायरी या फिर अगर आपने कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं किया होता तो इसके बाद जो आपका सेक्शन फोर है वो बस इतना कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ में पढ़ेंगे इट टू बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम आ गए हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चैप्टर टू इज वन सेकेंड हा ये ये जो हमारी है अब यहां पर देखिए तक section number 38 तक हम दोनों, और immovable दोनों ही प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सेक्शन थर्टी एट के बाद हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं ठीक है सेक्शन थर्टी एट तक हम इमूवेबल और मूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टीज के साथ डील कर रहे हैं सेक्शन फाइव बताता है ट्रांसफर uh, कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट में या फ्यूचर में किस को देता है या खुद को दे देता है या फिर खुद को और वन और मोर लिविंग पर्सन को देता है तो एक इंसान किसी दूसरे जिंदा इंसान को दो लिविंग ह्यूमन बींग्स के बीच में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है एक लिविंग इंसान किसी दूसरे लिविंग इंसान को दे सकता है मैं किसी दूसरे लिविंग इंसान को और खुद को भी दे सकती हूँ इसका क्या मतलब, है? का क्या मतलब है कि मैं ट्रस्टी की तरह खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ है ना या फिर एक या एक से ज्यादा लिविंग इंसान को दे सकता है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर का क्या मतलब है कि या तो मैं बोल सकती हूँ कि आज की तारीख में ये घर मैंने एक्स को ट्रांसफर कर दिया या मैं बोल सकती हूं कि आज से दो महीने बाद बीस तारीख को ये घर जो है ये मैं एक्स को ट्रांसफर करूंगी या 20 तारीख को ये घर एक्स को ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या है ये है ट्रांसफर इन फ्यूचर ट्रांसफर इन फ्यूचर का ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते जो प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है हम उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या जो प्रॉपर्टी मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती हूँ जो मेरे पास आएगी कभी उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती और यहाँ पर ना लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी भी इंक्लूड हो जाता है कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये सब जो है ये लिविंग पर्सन में आती है तो एक कंपनी भी जो है वो भी ट्रांसफर कर सकती है मैं चाहूं तो मैं भी एक कंपनी को, को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ इसके बाद है हमारा सेक्शन सिक्स जो कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड

Legacy on death of kinsman, या फिर एयर अपेरेंट का क्या मतलब है कि मुझे नहीं पता है कि बाद में जब कोई मर जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए अभी कुछ पक्का नहीं है, ना अभी कोई ट्रांसफर हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है और तो उसको क्या बोलते हैं एयर अपेरेंट बोलते हैं ठीक है सिमिलर है अगर कोई मरेगा उसके बाद मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी अभी मेरे पास वो प्रॉपर्टी है नहीं तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकती हूँ जो मेरे पास है ही नहीं मैं उसको कहां से ट्रांसफर करूंगी इसी को हम बोलते हैं का डॉक्ट्रिन यही है कि मुझे एक कॉन्टेम्प्लेशन है कि मुझे बाद में वो प्रॉपर्टी मिलेगी क्या उस कॉन्टेप्लेशन के बेसिस पे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ दूसरा क्या है मियर राइट ऑफ री मेरा घर है और मेरे पास एक राइट है कि मैं उस घर में री एंटर कर सकती हूँ मैंने अगर किसी को वो लैंड मैंने किसी को टेनेंसी पे दिया है किसी को किराएदार रखा है तब भी मेरी मर्जी है मैं चाहूँ तो उसमें री एंटर कर सकती हूँ पर ये जो मेरी राइट है री एंट्री की ये मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ सी बोलता है कि ईजमेंट ईजमेंट जो है वो डोमिनेंट हेरिटेज से ट्रांसफर नहीं हो सकता जो घर है जिससे ईजमेंट की राइट अराइज हो रही है जैसे कि ये मेरा घर है ये बाजू वाली जमीन से मैं रोज मिट्टी लेती हूँ अब ये जो डोमिनेंट हेरिटेज है ये ये जो घर है ना जहां से मैं आ, जो मेरा घर है जहां मैं रह रही हूँ वहां से जाके मैं दूसरे के घर से मिट्टी ले रही हूँ तो की राइट right है ये मैं किसी को कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ जब मैं मेरा घर बेचूंगी जब मैं ये घर बेचूंगी तो उसमें जो इंसान दूसरा रहने आएगा वही जाके वो बाजू वाले प्लॉट से मिट्टी ले सकता है कोई और नहीं ले सकता तो जब जो डोमिनेंट हेरिटेज है जहां पे मैं रह रही थी और दूसरे प्लॉट की राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी वो प्लॉट जब ट्रांसफर होगा जो मेरा घर है वो ट्रांसफर होगा तभी उसके साथ ईजमेंट ट्रांसफर हो सकता है अदरवाइज ईजमेंट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है फिर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट ऑफ द ओनर पर्सनली अगर कोई राइट right है जो ओनर पर्सनली एंजॉय कर रहा है जैसे मेरी राइट right है कि मैं गाना गाऊं तो मैं गाना गाना चाहती हूँ मेरी पर्सनल राइट right है मैं पेंटिंग करती हूँ पेंटिंग करके मैं बेचती हूँ तो दैट इज माय पर्सनल राइट ये पर्सनल राइट right मैं मेरी ट्रांसफर नहीं कर सकती इसके बाद राइट टू फ्यूचर में मुझे किसी से कोई maintenance लेनी है, है। वो मैं नहीं कर सकती। mere right to sue, actionable claim हो सकता क्यों? क्योंकि वहां पर जो अमाउंट है जो हमें किसी से लेना है वो फिक्स है या वो अमाउंट है सर्टन मियर राइट टू स्यू में कुछ भी सर्टन नहीं है अमाउंट जो है वो सर्टन नहीं है इसलिए हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं हो सकता पब्लिक ऑफिस की सैलरी ट्रांसफर नहीं हो सकती आप आई ऑफिसर बन गए तो क्या आप ऑफिसर बनने के बाद आपको लग रहा है कि यार मेरे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ अपना ऑफिस तो ये हो सकता है क्या ये नहीं हो सकता ठीक है तो आपका आ, पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं हो सकता उसकी जो भी सैलरी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती मिलिट्री वालों का नेवल एयर फोर्स सिविल पेंशनर्स की जो पेंशन है वो और इनका जो स्टाइप है पॉलिटिकल पेंशन है ये सब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता एज बोलता है कि कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता इफ इट इज अपोज टू द द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय अगर अगर जो, जो अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो जो उसका नेचर है वही खराब हो जाएगा तो फिर हम ऐसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते जैसे कि हम हवा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हम ताजमहल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हम कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अपोज अपोज टू इट्स नेचर उसके बाद

है ना और अगर किसी लॉ के अंडर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि कोई इंसान प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता तो वो लीगली डिस्कालीफाइड है फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी ये लीगल डिस्कालीफिकेशन में आपके अनसाउंड माइंड और माइनर लोग नहीं आते हैं फिर आ, आई बोलता है कि एक टेलेंट जिसका अन ट्रांसफरेबल राइट है अगर हमने सिर्फ किसी को राइट ऑफ ऑक्युपेंसी दिया है तो वो टेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई फार्मर जिसने अपना लैंड रेवेन्यू नहीं पे करा है जिसका लैंड रेवेन्यू जो है वो ड्यू है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता फिर कोई कोर्ट ऑफ वर्ड्स के मैनेजमेंट में कोई लेसी है कोई ले नहीं एक सेकेंड हाँ कोई कोर्ट ऑफ वर्ड का कोई कोर्ट ऑफ वर्ड के फॉर्म में किसी प्रॉपर्टी को देख रहा है तो उसको भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता ठीक है सेवन बोलता है पर्सन कंपेटेंट टू ट्रांसफर हर पर्सन जो है एवरी पर्सन कैन ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी अगर वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है या फिर अगर वो ऑथोराइज है ट्रांसफर करने के लिए तो दूसरे की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकता है अगर वो ऑथोराइज है जैसे कि जो हाउस ब्रोकर होते हैं हमारे वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं ना तो वो कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज ट्रांसफर क्योंकि वो ऑथोराइज होते हैं ट्रांसफर करने के लिए कैसे कर सकता है पूरी की पूरी कर सकता है या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है एप्सोल्यूटली कर सकता है या फिर कंडीशनली कर सकता है सेक्शन एट क्या कहता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी उसके साथ जो दरवाजे खिड़कियां वो भी ट्रांसफर होंगे अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे तो उसके जो रेंट्स हैं उस पे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो सब भी ट्रांसफर होंगे कोई मशीन अगर ट्रांसफर हो रही है तो उस मशीन के साथ जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी उसके गैजेट्स हैं वो सब कुछ ट्रांसफर होंगे यही लिखता है आपका सेक्शन एट सेक्शन नाइन है ओरल ट्रांसफर ओरल ट्रांसफर क्या है हर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ओरली हो सकता है अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो कि राइटिंग में होना चाहिए जो कि आपके सेक्शन 54 59 107 और 123 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो बताता है कि ट्रांसफर कब राइटिंग में होना चाहिए और कब रजिस्टर्ड होना चाहिए तो इनके अलावा जब भी कोई ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का तो वो ट्रांसफर कैसा हो सकता है वो ट्रांसफर ओरली हो सकता है सेक्शन इलेवन है रेस्ट्रिक्शन रेपेगनेट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है एक सेकेंड टेन एक मिनट सेक्शन टेन है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करना देना है यह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है जो आर्टिकल थर्टी नाइन में प्रोवाइडेड है तो वैसे ही बात ये करता है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो आप उसको फर्दर ट्रांसफर करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप उस प्रॉपर्टी को करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बट कौन कौन सी चीजों में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर आपने लीज दी है अगर आपने किसी को लीज करी है प्रॉपर्टी तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई साहब ये लीज है आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते और अगर कोई क्रिश्चियन वुमेन है अगर कोई मैरिड क्रिश्चियन वुमेन है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती फिर सेक्शन इलेवन है आपका जो कहता है रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड ये क्या कहता है अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली ट्रांसफर करी है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होता है जब सेल होती है <coughs> <coughs> या फिर जब एक्सचेंज होता है ठीक है सेल और एक्सचेंज से ही होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और गिफ्ट से होता है ठीक है सेल एक्सचेंज या गिफ्ट अगर मैंने किया है तो ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो अगर मैंने किसी को एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्टी तब मैं उसको किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी इंजॉय करने से या ट्रांसफर करने से या कोई भी रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगा सकती कि तुम सिर्फ इसी तरीके से इंजॉय कर सकते हो या तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते हो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैं उस इंसान के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती पर साथ में क्या पर अगर हाँ अगर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन मुझे उस पर लगाना है तो वो रेस्ट्रिक्शन मैं कब लगा सकती हूँ जब पड़ोस वाली प्रॉपर्टी मेरी है और मैं अपने खुद के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए मुझे उसमें कोई बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है तो मैं सिर्फ ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ इससे रिलेटेड केस है टल्क वर्सेज मॉक से और ये सिमिलर चीज जो इसके प्रोविजन में दी है यही हम पढ़ेंगे सेक्शन फोर्टी के अंदर ठीक है सेक्शन फोर्टी और सेक्शन इलेवन को साथ में पढ़ते हैं और इससे एसोसिएटेड केस है टल्क वर्सेज मॉक से सेक्शन ट्वेल्व जो हमारा है ये कहता है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और वो इंसान बाद में हो गया है, तो सिर्फ इस वजह से प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी फिर सेक्शन से लेकर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन अगर कोई इंसान पैदा नहीं है सेक्शन फाइव हमारा कहता था कि ट्रांसफर कैसे हो सकता है सिर्फ दो ट्रांसफर हो सकता था सिर्फ दो लिविंग पर्सन के बीच में है ना सेक्शन फाइव कह रहा था कि सिर्फ एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है उसका एक्सेप्शन है आपका एकक्शन थर्टीन ये क्या कहता है ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो है ये एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है बट ये अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगी तो जब अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो एक लिविंग पर्सन जो है वो दूसरे लिविंग पर्सन में लाइफ इंटरेस्ट बनाएगा एक लाइफ इंटरेस्ट बनाएगा क्या होगा वो लाइफ इंटरेस्ट जब तक जो अनबॉर्न पर्सन है वो पैदा नहीं हो जाता तब तक ये वाला लिविंग पर्सन ये जो लाइफ इंटरेस्ट है वो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा उसके बाद जब अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाएगा अनबॉर्न पर्सन जब पैदा हो जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी इस अनबॉर्न पर्सन के पास चली जाएगी यही बोलता है आपका सेक्शन uh, थर्टीन और जब ये जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी तो ये एब्सोल्युटली अनबोर्न पर्सन के पास जानी चाहिए अब यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अगर यहां कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा तो ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड हो जाएगा और जो प्रॉपर्टी है वो वापस चली जाएगी ओरिजिनल ओनर के पास ठीक है यही है आपका सेक्शन थर्टीन अब जो सेक्शन फोर्टीन है वो बोलता है कि ये जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं सेक्शन तेरह में वो किस एक्सटेंड तक हो सकता है और कितनी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है तो सेक्शन 14 के जो रूल अगेंस्ट परपैचुटी है यहीं से डिराइव होता है रूल ऑफ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी रूल ऑफ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी है हम उसको कितने ड्यूरेशन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो आगे जाके कब वेस्ट हो जाएगी कब फाइनली जो ओनर है उसको प्रॉपर्टी कब मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी तो ये कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन जो भी लोग जिंदा हैं उनकी लाइफ टाइम के लिए प्लस माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन इतने ही टाइम के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है उसको रोका जा सकता है जैसे ही जो लाइफ इंटरेस्ट है लाइफ इंटरेस्ट की एज प्लस मतलब लाइफ इंटरेस्ट की पूरी उम्र प्लस 18 साल 18 साल किसका जब तक अनबॉर्न पर्सन जो है वो 18 साल का नहीं हो जाता बस इतने ही ड्यूरेशन तक प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है इसके बाद अगर प्रॉपर्टी को आपने रोका तो प्रॉपर्टी कैसी होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी और ओरिजिनल ओनर के पास चली जाएगी अब यहाँ पर 18 इयर्स प्लस प्लस पीरियड ऑफ जेस्टेशन आता है अगर बच्चा पेट में है तो डैट पीरियड इज आल्सो कवर्ड ओवर हियर ठीक है यह है आपका सेक्शन 14 <laughs> इसके बाद सीधे सेक्शन 17 पे आते हैं जो कि डायरेक्शन फॉर अक्यूमलेशन की बात करता है ये बोलता है कि प्रॉपर्टी को अगर अक्यूमुलेट करना है अगर अक्यूमुलेट करके रखना है तो कब तक कर सकते हैं पहले ही हमने बता दिया कि अठारह साल प्लस लाइफ तो वही बात यहाँ है कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफर या फिर अठारह साल इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को रोका नहीं जा सकता और अगर इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को रोका है तो उसके बाद जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा जो ट्रांसफर है, है वो मर गया या फिर 18 साल बीत गए विच एवर इज लॉन्गर सॉरी लॉन्गर इन दोनों में से कुछ भी अगर बीत गया तो उसके बाद प्रॉपर्टी को वैसे ही एंजॉय करा जाएगा जैसे कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा था एक्सेप्ट फॉर थ्री सिचुएशन क्या है वो तीन सिचुएशन पहली तो ये है कि वो प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किस चीज के लिए लगाया गया है किसी डेट ऑफ द ट्रांसफर के पेमेंट के लिए ट्रांसफर का कोई कर्जा है उसको पे करने के लिए अगर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है अठारह साल के बाद भी या लाइफ ऑफ द ट्रांसफर के बाद भी दूसरी चीज अगर किसी चिल्ड्रन किसी बच्चे या किसी रिमोट इशू के लिए कोई बोला गया है कि इसके प्रॉफिट्स बचा के रखो बच्चे की शादी के लिए या मेरा कोई रिमोट इशू है उसके लिए देन आल्सो इट इज वैलिड या फिर प्रेजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए अगर कुछ करना है आपको <coughs> <coughs> तो वो डायरेक्शन भी वैलिड है सॉरी <coughs> फिर सेक्शन 18 क्या कहता है कि सेक्शन 14, 16 और 17 में जो भी रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं जो भी टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है उस टाइम पीरियड से ज्यादा के लिए भी प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है कब अगर वो रिलीजन नॉलेज कॉमर्स हेल्थ और सेफ्टी या फिर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड अगर इनमें से किसी भी चीज के लिए उस प्रॉपर्टी में से जो भी पैसा आ रहा है जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो रिलीजन नॉलेज कॉमर्स हेल्थ सेफ्टी या फिर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए अगर हमें उसे यूज करना है तो हम इस जो ऊपर पीरियड प्रोवाइडेड है उससे भी ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी को रोक सकते हैं या रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं नाइनटीन बात करता है वेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट की का क्या मतलब होता है कि कब जो एक इंटरेस्ट है वो फाइनली जैसे ही हमने कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो फाइनली वो ट्रांसफर कब हो जाएगा उसको बोलते हैं और जैसे ही ट्रांसफर किया है ट्रांसफर करते है, साथ ही जब कोई इंटरेस्ट जो है वो दूसरे इंसान में वेस्ट दूसरे इंसान के पास चला जाता है तो हम उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट जब कोई कंडीशन नहीं लगी होती है डायरेक्ट ट्रांसफर होता है डायरेक्टली इफेक्चुअल होता है उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट तो तीन चीजें होती हैं जब कोई इंटरेस्ट हुआ है जहां पे कोई टाइम नहीं दिया है कि वो कब पूरा होगा या फिर जहां पर दिया है कि तुरंत तुरंत ही वो चीज हो गई है तुरंत मैंने ट्रांसफर किया तुरंत आपके पास प्रॉपर्टी की राइट्स आ गई या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो हर सिचुएशन में होगा ही होगा कौन सा होता है ऐसा इवेंट डेथ होती है ऐसा इवेंट जो हर सिचुएशन में होगा ही होगा चाहे जो हो जाए डेथ तो होनी ही है तो ऐसे इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं ट्वेंटी <coughs> है हमारा कि अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है जिसके फेवर में हमने सेक्शन थर्टीन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी तो वो उसके पास कब चली जाएगी जैसे ही वो पैदा होगा एज सुन एज हिज बर्थ हैपन एज सुन एज हिज बॉन्ड प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी <coughs> जो है वो अनबॉन्ड पर्सन की परमानेंटली हो जाएगी ठीक है इसके बाद कंटेंजेंट <coughs> इंटरेस्ट है सेक्शन ट्वेंटी वन में क्या होता है कंटेंजेंट इंटरेस्ट कंटेंजेंट इंटरेस्ट वो होता है जब वो डिपेंड करता है ऑन दी अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट या फिर ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट जब कोई ट्रांसफर जो है वो किसी चीज के होने पर या किसी चीज के ना होने पर डिपेंड करता है तो वैसे ट्रांसफर को हम कहते हैं कंटेंजेंट इंटरेस्ट जब वो चीज हो जाएगी तब वो ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगा वेस्टेड हो जाएगा मतलब उस इंसान को प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर वो हैपनिंग ऑफ इवेंट पर डिपेंड करता है तो जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा वैसे ही प्रॉपर्टी सामने वाले को मिल जाएगी अगर वो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर डिपेंड करता है तो जब जो काम है वो अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी सामने वाले को मिल जाएगी सिमिलर टू कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा प्रिंसिपल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसी के जैसा है ये ठीक है सॉरी सेक्शन ट्वेंटी फाइव है कंडीशनल ट्रांसफर कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है पहले तो तीन टाइप के ट्रांसफर हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होते हैं पहला होता है आपका प्रेसिडेंट ट्रांसफर प्रेसिडेंट कंडीशन सॉरी नॉट ट्रांसफर कंडीशन की होती है प्रेसिडेंट कंडीशन होती है ठीक है दूसरी आपकी होती है सब्सिक्वेंट कंडीशन प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट टूडे गाइज और थर्ड होती है कोलैटरल कंडीशन ठीक है तो प्रेसिडेंट कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट कंडीशन होती है जो अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो ट्रांसफर होने से पहले जब कोई कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए ट्रांसफर होने से पहले अगर कोई कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जानी चाहिए वैसी कंडीशन को कहते हैं प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्टली फुलफिल होनी चाहिए पूरी तरीके से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सब्सिक्वेंट कंडीशन क्या होती है जो ट्रांसफर करने के बाद मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया बट मैंने कहा कि ट्रांसफर के बाद आपको कोई कंडीशन है जो पूरी करनी है दैट इज सब्सिक्वेंट कंडीशन ये जो है ये सबस्टैंशियली पूरी होनी चाहिए ठीक है कोलैटरल कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसफर के साथ साथ जो कंडीशन चलती है उसको हम कोलैटरल कंडीशन कहते हैं जैसे कि मैंने आपको घर किराए पर दिया और मैंने कहा कि जब तक आपके पास घर किराए पर है तब तक आप मुझे हर महीने किराया दोगे तो ये क्या है ये आपकी कोलैटरल कंडीशन है अब कंडीशनल ट्रांसफर क्या कहता है कि इन तीनों में से जो भी कंडीशन है प्रेसिडेंट है सब्सिक्वेंट है या फिर कोलैटरल है वो कंडीशन कैसी नहीं हो सकती वो कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए मैं आपको कंडीशन नहीं लगा सकती कि जाओ एक घंटे में सौ किलोमीटर चल के आओ इट इज एन इम्पॉसिबल कंडीशन दूसरी क्या है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है किसी लॉ में स्पेसिफाइड है कि <coughs> कि आप चोरी नहीं कर सकते डकैती नहीं कर सकते और वैसी कोई कंडीशन अगर आप लगाते हो तो फिर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ थर्ड क्या है कि वो डिफीट कर रही है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ डिफीट कर रही है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मतलब वैसे तो जो कंडीशन जो कंडीशन है वो वैलिड है बट अगर आप उस चीज को करोगे तो वो इनवैलिड uh, हो जाएगी या फिर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगी जैसे किसी मैरिड इंसान को मैं बोलूँ कि जाके एक बार और शादी कर लो तो ये क्या है ये बायगमी है और ये इनलीगल uh, है और अलाउड नहीं है बट जनरली अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम जाके शादी करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगी तो वो लीगल होगा तो यहाँ पर अगर बायोगी करने के लिए मैं कह रही हूँ तो ये क्या है डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी Law. इसके बाद implies injury to personal property of another. मैं जाके किसी को injury कर रही और और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या फिर opposed to public policy है जैसे कि मैं किसी को कह रही हूँ तुम डिवोर्स दे दोगे अपने हस्बैंड को तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगी तो व्हाट इज दिस दिस इज इमोरल एंड दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी फिर जो आपका सेक्शन 26 है वो बोलता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट कैसे फुलफिल होगी अभी मैंने बताया था सबस्टैन्शियली फुलफिल होनी चाहिए पूरी पूरी फुलफिल करना जरूरी नहीं है जिस एक्सटेंट तक पूरी की जा सकती है उस एक्सटेंट तक आपको जो भी आपकी प्रेसिडेंट कंडीशन है उसको फुलफिल करना है ठीक है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो है वही कंडीशन uh, प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल है इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सलरेशन है आपकी सेक्शन ट्वेंटी सेवन में ये क्या कहता है कि अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है मैंने आ, मैंने ये बोला है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज है ये हो गई अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो गई या कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर नहीं हुई तो प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर हो जाएगी अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है अगर ये किसी और तरीके से भी फेल होती है तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन फेलियर जो है वो उसी मैनर में हो जिस मैनर में मैंने प्रडिक्ट करा है ये जरूरी नहीं है सेक्शन ट्वेंटी सेवन के अंडर फिर है आपका सेक्शन ट्वेंटी कैसे कंप्लाई करेंगे स्ट्रिक्टली फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन सब्सिक्वेंट ठीक है सेक्शन ठीक है इसके बाद हम सीधे इलेक्शन पे आते हैं वही है अब हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्टी फाइव है इलेक्शन में नेसेसरी इलेक्शन में क्या होता है इलेक्शन में ये होता है कि मेरे पास मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं बट मैं उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हूं ना ही मैं ऑथोराइज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के पर फिर भी मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं तो जब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ तो सेम ट्रांजेक्शन में जो ओनर है उसको मैं बोलूंगी कि आपकी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसके बदले मैं आपको दस लाख रुपए दे रही हूँ तो अब जो ओनर है वो चूज कर सकता है कि उसको प्रॉपर्टी रखनी है या ये दस लाख रुपए रखने और ओनर जो भी चूज करेगा वो ओनर को मिलेगा ठीक है अब ये ओनर का इलेक्शन है ये इलेक्शन किसका है ओनर का इलेक्शन है या तो वो प्रॉपर्टी रख सकता है या फिर वो दस लाख रुपए रख सकता है अगर वो प्रॉपर्टी रखेगा तो ये जो दस लाख रुपए है वो उसको वापस करने पड़ेंगे ठीक है यही है आपकी डॉक्टर ऑफ इलेक्शन इससे रिलेटेड जो दो इंपॉर्टेंट केस है वो ये है मोहम्मद मोहम्मद अफजल वर्सेज गुलाम काबिल और दूसरा है कूपर वर्सेज कूपर <laughs> इसके बाद 36 और 37 कहते हैं कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और मान लो कि वो प्रॉपर्टी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू मान लो कि वो प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी थी तो किराया कैसे आप पोर्शन होगा मान लो मैंने 15 तारीख को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है 15 तारीख को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और किराया जो है वो 1 तारीख को ड्यू होता है तो 1 से लेके ओके से लेके 15 तारीख तक का एक से लेकर पंद्रह तारीख का जो रेंट है वो मुझे मिलेगा और बचे हुए पंद्रह दिन का जो रेंट है वो किसको मिलेगा जो न्यू ओनर है उसको मिलेगा यही है आपका थर्टी सिक्स थर्टी सेवन कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे कोई ऑब्लिगेशन है कहीं किसी राजा ने कोई रूल बनाया है कि हर घर जो है गाँव का वो आके दस दिन के लिए पब्लिक सर्विस करेगा तो अब ये जो अगर कोई घर है इसमें से और मैंने मेरा एक घर था गाँव में उसमें मैंने एक नौकर को अपॉइंट करा है कि तुम जाओगे और तुम वहां दस दिन की पब्लिक सर्विस करके आओगे राजा के यहाँ अब वो जो नौकर है वो अब जो है ये घर वो मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी को तो अब वो जो नौकर है ना और ये घर जो है, है मैंने तीन टुकड़ों में बांट के ट्रांसफर करा अगर ये जो घर है इसको तीन टुकड़ों में बांट के ट्रांसफर करा और ये तीन घर बन गए तो अब वो जो नौकर है वो किसी एक के लिए ही जाके करेगा सर्विस प्रोवाइड करेगा यही बोलता है थर्टी सेवन क्या कहता है कि अपोर्शनमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो रेटेबली होगा और ऐसे नहीं होगा कि किसी एक पे बर्डन इंक्रीज कर दे इसके बाद अब हम आ गए 38 पे जो मैंने आपको बोला था कि 38 से लेके जो आपके 53 ए तक के प्रोविजनंस हैं ये सारे के सारे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होते हैं 38 से लेके 53 ए तक कहाँ अप्लाई होते हैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होते हैं 38 क्या कहता है अगर कोई इंसान है जो कि ट्रांसफर कर सकता है ओनली अंडर सर्टेन सरकमस्टेंसेस उसके पास वैसे पावर नहीं है ट्रांसफर करने की बट कुछ सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें वो ट्रांसफर कर सकता है और वो तो किसी इंसान को ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी तो वो इंसान अगर उसने प्रॉपरली देख के uh, ट्रांसफर एक्सेप्ट करा है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफर वैलिड है बट अगर उसने अच्छे से नहीं चेक करा है तो फिर ट्रांसफर जो है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है ठीक फिर आपका थर्टी नाइन जो है वो कहता है कि अगर जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करा है उस प्रॉपर्टी से किसी थर्ड पार्टी की कोई राइट्स एसोसिएटेड थी या फिर किसी को प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस देने थे या शादी से रिलेटेड प्रोविजन देने थे और ये जो ट्रांसफर है ये नॉलेज के साथ हुआ है नोटिस के, के साथ हुआ है नोटिस के साथ हुआ है या फिर आपका ट्रांसफर ट्रांसफर है है तो जो ही वो liable होगा आ, उस इंसान को मेंटेनेंस देने के लिए या उसके मैरिज के प्रोविजन देने के लिए फोर्टी ए बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन लैंड ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फोर्टी वन पे आ जाओ ट्रांसफर बाय और, इस है, इस है, राम वर्सेस और, और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो मैंने अपना टैक्स बचाने के लिए एक प्रॉपर्टी जो है वो मेरी किसी फ्रेंड के नाम से खरीद ली है तो अब वो जो वो जो इंसान है जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो क्या है ऑस्टेंसिबल ओनर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है उसके आने के बाद से ये जितने भी ऑस्टेंसिबल ओनर वाले जो भी प्रोविजंस है ये जितनी भी ऐसी सेल होती है या अगर आप किसी और इंसान के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो प्रॉपर्टी उसी इंसान की हो जाती है और अगर नहीं देते हो उस इंसान को तो फिर आप लायबल होते हो उसके अंडर ठीक है तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वही है आपका सेक्शन 41 से एसोसिएटेड सेक्शन 41 क्या कहता है कि ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है जिसके नाम पर मैंने प्रॉपर्टी खरीद दी अगर इसने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो जिसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसकी राइट क्वेश्चन में नहीं लाई जाएंगी और ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड नहीं होगा अगर ट्रांसफरी ने गुड फेथ में लिया है तो बट अब ये जो गुड फेथ वाली चीज है ना अब ये जो गुड फेथ वाली चीज है कि उसने ट्रांसफरी ने गुड फेथ में लिया है या नहीं रीजनेबल केयर की है या नहीं अब ये चीज बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट आने के बाद एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो असेंसिबल ओनर है वही ओनर हो जाता है बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के अंदर फोर्टी टू बोलता है ट्रांसफर पर्सन जो रिवोक कर सकता है फॉर्मल ट्रांसफर 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 अगर अगर मैं कोई करी हूं, मैंने मैंने लीज लीज करी करी है अगर मैंने करी है है के थ्रू प्रॉपर्टी तो मेरे पास राइट है कि मैं उस लीज को कभी भी रिवोक कर सकूं और मैं कंडीशन इम्पोज कर सकती हूं कि अगर तुमने मेरे घर में नॉनवेज खाया तुमने मेरे घर में अगर अल्कोहल पिया तो मैं तुम्हारी लीज जो है वो रिवोक कर दूंगी तो वही चीज है सेक्शन 42 अगर कोई कंडीशन जो मैंने लगाई है उस कंडीशन को तुमने ब्रीच करा तो मैं लीज जो है उसको रिवोक कर दूंगी ट्रांसफर जो है उसको रिवोक कर दूंगी फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री को ही बोलते हैं फीडिंग द ग्रांड बेल स्टॉपल जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ये जो है यही है आपका फोर्टी थ्री ये क्या कहता है अगर मैंने आपको कोई वादा किया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बेच रही हूं बट उस टाइम पे प्रॉपर्टी मेरे पास थी ही नहीं बट किसी टाइम पे बाद में मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर मैं बाउंड हूं कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूं यही है आपका ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हो सब्सिक्वेंटली अक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर जिसने सब्सिक्वेंटली अक्वायर कर लिया है ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट अब इसके बाद 48 की बात करने 48 क्या कहता है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर अगर मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करी तो जिसको सबसे पहले कोई राइट ट्रांसफर करी थी उसके पास प्रायोरिटी होगी और जिसको बाद में करी थी उसके पास प्रायोरिटी नहीं होगी जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी है ये मेरा घर है ये मैंने पहले एम को ट्रांसफर करा फिर एन को ट्रांसफर करा फिर ओ को ट्रांसफर करा सबको मॉर्टगेज करा तो सबसे पहले राइट टू रिडीम एम के पास होगी उसके बाद एन के पास उसके बाद ओ के पास ठीक है यही है आपका प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर फिफ्टी क्या कहता है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल ये मेरा घर है ये घर मैंने किसी को बेच दिया पर मैंने और ये घर जो है इसमें किराएदार रहता है एक ठीक है एक किराएदार रहता है इस घर में और ये घर मैंने किसी को बेच दिया और इस किराएदार को मैंने नहीं बताया कि मैंने घर बेच दिया है अब इस किराएदार ने ना मुझे ही पैसे दे दिए तो अब ये जो किराएदार है ये लायबल नहीं होगा ये जो न्यू ट्रांसफरी है न्यू को ये लाइबल नहीं होगा रेंट देने के लिए क्योंकि रेंट दिया था ना यही है इंप्रूवमेंट्स की बात करता है घर है ठीक है अब ये घर जो है ये मैंने बेच दिया पर जो मेरे अम्म जो मेरे पापा है या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं जो इस घर में रहते हैं इन लोगों को नहीं पता कि मैंने ये घर बेच दिया है और इन्होंने क्या करा इस घर में गार्डन बना लिया पौंड बना ली ठीक है और कुछ कुछ कर लिया ठीक है पौंड बना लिया गार्डन बना लिया ये सब कर लिया तो अब जो है ना ये इम्प्रूवमेंट जो इन्होंने इस घर में किया है ये इम्प्रूवमेंट के लिए इनको जब जो भी इंसान नया आएगा वो इनको इस इम्प्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है देगा दे सकता नहीं है देगा वो इन उनको जो भी घर इस घर में रहने आएगा वो इस इंप्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देगा जितना मैंने खर्चा करा है इस इंप्रूवमेंट में उतना पैसा मुझे देगा या तो ये पोर्शन ऑफ लैंड जो है मुझे नहीं मेरे रिलेटिव को देगा या तो ये जो पोर्शन ऑफ लैंड है जहाँ पे गार्डन और पॉन्ड बनाया है वो पोर्शन ऑफ लैंड मेरे रिलेटिव को बेच देगा यही है आपका फिफ्टी वन इसके बाद फिफ्टी टू जो है उसी में रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस है और इसी से एसोसिएटेड केस है बेलमी वर्सेस सबाइन का तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस है उसका ये मतलब है कि अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो उसके टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती जो प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती बट ऐसा नहीं है सेक्शन फिफ्टी क्या कहता है सेक्शन फिफ्टी ये कहता है कि जब कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती कैसे अगर वो पार्टीज की राइट्स को हैम्पर करे अगर पार्टीज की राइट्स को हैम्पर करने वाली है अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे और जो पार्टीज है उनकी कोई राइट हैम्पर होगी तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और उसमें भी कब बेच सकते हो अगर आपने कोर्ट की परमिशन ले ली है तो आप उसको बेच सकते हो यही है आपका सेक्शन 52 53 है फ्रॉडल ट्रांसफर फ्रॉड्यूल ट्रांसफर का क्या मतलब है जब मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ ट्रांसफर कर रही हूँ क्यों कुछ लोग हैं जिनसे मैंने कर्जा ले रखा है उनका कर्जा चुकाने के लिए मैं नहीं चुकाना चाहती और उनको फ्रॉड करने के लिए उनके साथ फ्रॉड करने के लिए या उनका कर्जा चुकाने में देरी करने के लिए मैं कोई प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर कर रही हूं टू डिले माई क्रेडिटर्स तो इसी ट्रांसफर को कहते हैं ट्रांसफर ट्रांसफर और ये जो है, ये जो है है होता एट दी ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर जिस क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट है वो डिफीट हुआ है या डिले हुआ है उसके ऑप्शन पे ये ट्रांसफर वॉइडेबल होता है बट कोई अगर ट्रांसफर ही है जिसने गुड फेथ में और पैसे देके बिना ये पता हुए कि मैं किसी को किसी के साथ फ्रॉड करना चाह रही हूँ बिना इस चीज को पता करे अगर किसी ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी ले ली है तो वो ट्रांसफरी के अगेंस्ट जो है ये ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं हो सकता ठीक है इसके बाद दूसरी चीज क्या बोलते हैं और कब दूसरी बार ट्रांसफर वॉइडेबल होता है हाँ और अगर इससे एसोसिएटेड कोई केस फाइल करना है तो कोई भी क्रेडिटर जाके केस फाइल कर सकता है और अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर्स हैं तो यही क्रेडिटर सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर देगा कि ये जो ट्रांसफर है ये वॉइडेबल है तो इसको प्लीज वॉइड डिक्लेयर करा जाए और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर मैंने पहले कोई ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन मान लो मैंने एक गिफ्ट दिया है मैंने मेरी एक फ्रेंड है नेहा उसको एक गिफ्ट दिया है अब जो नेहा है नेहा को मैंने गिफ्ट दिया और फिर मेरा एक और फ्रेंड है उसको मुस्तफा नाम मान लो ठीक है यहाँ पे नाम लिखा है उस टाइप का कुछ और मुस्तफा मेरा एक और फ्रेंड है या कोई भी एक्स वाई जेड इंसान है मुस्तफा उसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सेल कर दी तो पहले मैंने क्या किया था गिफ्ट किया था और उसके बाद मैंने क्या किया सेल कर दिया तो ये जो दूसरा ट्रांसफरी है जो सब्सिक ट्रांसफरी है जिसको मैंने सेल करी थी प्रॉपर्टी उसके ऑप्शन पे ये जो ट्रांसफर है ये वॉइडेबल हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने जिसको पहले गिफ्ट दिया था उसके साथ में क्या करना चाह रही थी फ्रॉड करना चाह रही थी ठीक है इसी से रिलेटेड केस है मुसाहुर साहू वर्सेस हकीम लाल ठीक अब हम आ जाते हैं सेक्शन 53 ए के ऊपर जो कि बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की पार्ट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइटिंग में है और साइंड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है राइटिंग में है और साइंड है जिससे क्लियरली देखा जा सकता है कि rights और रिटीज क्या है पार्टी जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो एकदम क्लियरली विजिबल है ठीक है उसके बेसिस पे आ, मैंने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ कि मुझे आ, आप ये एक प्रॉपर्टी बेच दो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने जाके उस प्रॉपर्टी का पजेशन ले लिया उस घर का मैंने पजेशन ले लिया तो अगर जाके कि किसी ने जो दूसरा ट्रांस जो ट्रांसफरी है उसने क्या करा है पजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का तो जो सामने वाला इंसान है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वो बाउंड है कि वो अपना बचा हुआ परफॉर्मेंस करे जो भी पार्ट परफॉर्मेंस है उसको वो पूरा करें बट ये जो पार्ट परफॉर्मेंस होता है इसको सिर्फ हम एक डिफेंस की तरह क्लेम कर सकते हैं इसको एक राइट right की तरह क्लेम नहीं किया जा सकता और यही बोला था आपके दंता मारा री कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रबोध कुमार में सेक्शन 53 जो है 53 ए जो है उसको सिर्फ डिफेंस की तरह यूज किया जा सकता है इट कैन बी यूज ओनली एज अ शील्ड एंड नॉट एज स्वॉर्ड ठीक है तो जिसको मैंने जिसने मुझे ट्रांसफर किया था घर वो बाद में मुझे ये नहीं बोल सकता अगर वो कोई सूट फाइल करेगा कि मैं पोजेशन से हट जाऊं घर के तो वो सूट जब वो फाइल करेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं इस पोजेशन इस घर को अब मैं नहीं छोड़ूंगी और जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको पूरा कर लो यही है पार्ट परफॉर्मेंस का प्रिंसिपल फिफ्टी अब हम आ गए चैप्टर थ्री पे जो की सेल्स की बात करता है सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे कौन सी प्रॉपर्टी की सेल हो रही है सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल हो रही है प्रॉपर्टी की सेल कैसे होगी या तो कोई प्राइस पे करके या फिर किसी इनटैंजिबल चीज की, की सेल हो रही है तो कैसे होगी सिर्फ एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगी सौ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल थिंग्स में क्या आता है इनटैंजिबल थिंग्स में आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब थिंग्स में आती हैं तो अगर आप कोई कॉपीराइट बेच बेच रहे हो, बेच रहे हो हो पेटेंट वो सब चीजें आपकी थिंग्स में आती हैं इन सब चीजों का ट्रांसफर कैसे होगा अच्छा ये जो कॉपी पेटेंट और ये सब होता है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाता है तो इनका ट्रांसफर कैसे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है <laughs> अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है कि मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा उसमें तो टर्म्स देख लिए कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सेल होगी तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है वो सिर्फ टर्म्स बताता है जिसके बेसिस पर सेल होगी ये पर से कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता है कोई इंटरेस्ट या कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता है ये प्रॉपर्टी पर इसके बाद 55 में आपकी राइट्स राइट लाइबिलिटीज बायर की और सेलर की क्या क्या राइट्स होती हैं क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं ठीक है <laughs> एक सेकेंड, सेकेंड ये हैंग हो गया <laughs> वन सेकेंड गाइज आम... ठीक है आ गया वापिस ठीक है ठीक है इसके बाद 56 पे आ जाते हैं 56 क्या है मार्जलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेजर सिमिलर प्रोविजन दिया हुआ है आपका अरे <coughs> और एक सेकेंड और नहीं दिख रहा ठीक है हाँ तो सिमिलर प्रोविजन जो मार्च लिंक का प्रोविजन है जो मॉर्टगेज से एसोसिएटेड है वो सेक्शन 81 में दिया है क्या होता है मार्च लिंक का मतलब कि मेरा एक ही घर है मेरे पास एक घर है ये और एक और घर है ये ठीक है अब मैंने ये जो एक घर है ठीक है अब ये जो एक घर है, है, है इसको मैंने ए को पहले मॉर्टगेज किया बी को पहले मॉर्टगेज किया और फिर मैंने सी को ये घर बेच दिया ठीक है और ये वाला जो घर था ये भी मैंने ए को और बी को मॉर्टगेज किया था तो ये दोनों घर जो है ये मैंने ए बी को मॉर्टगेज करे और फिर यही घर मैंने सी को बेच दिया उसमें से एक घर जो है वो मैंने सी को बेच दिया तो अब ए और बी जो है वो सी से कह सकते हैं जो सॉरी जो सी है जिसको मैंने ये घर बेचा है काफी ही सो मच ओके छोड़ो एक सेकेंड यहां बनाती हूँ ठीक है ये एक घर है ये दो घर है ये दोनों घर मैंने ए और बी को मॉर्टगेज में दिए हैं ठीक है ए और बी को मॉर्टगेज में दिए हैं और इसमें से ये जो एक घर था ये मैंने सी को बेच दिया तो अब जो सी है वो ए और बी से कह सकता है कि आप अपना मॉर्टगेज इस वाले घर से रिडीम करा लो और इस वाले घर को छोड़ दो यही होती है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर ये क्या है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर और यहां पर जब मैं मॉर्टगेज की बात करूंगी तो उसमें मैंने अगर यहाँ पर सब्सिक्वेंटली किसी को ये एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है तो वो बोल सकता है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी से अपना मॉर्टगेज रिडीम करा लो ठीक है This is 56. <coughs> अब हम आ जाते हैं चैप्टर फोर पे जो की बात करता है मॉर्टगेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यहां भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं और चार्जेस चार्जेस की भी बात इसी चैप्टर में हो रही है

ये जो मॉर्टिगेज है तीन चार टाइप्स का होता है पहला है सिंपल मॉर्टेज सिंपल मॉर्टेज का क्या मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी है मैंने आपसे पैसा ले लिया प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहेगी बट अगर मैंने पैसा नहीं दिया आपको टाइम पे वापस तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो इसके बाद है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल मॉर्टेज बाय कंडीशनल सेल क्या होती है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी है मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी है सेल कर दिया बट अगर मैं आपको पैसा पे कर दूंगी अगर मैं आपको टाइम पर पैसा पे कर दूंगी तो ये जो सेल है ये इनवैलिड हो जाएगी और प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी इसके बाद आपका आता है यूसुफ रक्चरी मोटगेज यूसुफ रक्चरी मोर्टगेज का क्या मतलब है मेरी प्रॉपर्टी है जो कि ऑलरेडी किराए पे है मैंने आपको बोला कि मुझे इस प्रॉपर्टी पे मोर्टगेज चाहिए ये लो प्रॉपर्टी इसका जो भी किराया आएगा वो सब आपका किराए से आप इंटरेस्ट लो किराए से ही आप अपना मूलधन चुका लो तो जैसे ही जो भी प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं उनसे आपने अपना मोर्टगेजा काट लिया या फिर थोड़ा पैसा मैंने दे दिया और जैसे ही आपका जो मॉर्टगेज मनी था प्लस जो आपका इंटरेस्ट था वो पूरा हो गया तो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम मॉर्टगेज हो जाएगी ये होता है आपका यूसुफ रक्चरी मॉर्टगेज इसके बाद होता है इंग्लिश मॉर्टिगेज इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूटली मैंने ट्रांसफर कर दिया पूरी तरीके से प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो मैंने मॉर्टगेजी को ट्रांसफर कर दी है और अगर मैं टाइम पर पैसा दे दूंगी मॉर्टगेज मनी अगर मैं टाइम पर दे दूंगी तो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी वरना प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज की हो जाएगी इसके बाद है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीज तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है जो भी मेरी रजिस्ट्री है वो सब रख के जब मैं मॉर्टगेज लेती हूं तो उसको कहते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीज अनॉमलस मॉर्टगेज का क्या मतलब है जब भी इनमें से कोई दो टाइप के मोर्टगेज को हम साथ में मिला के लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अनॉमलस मॉर्टगेज फिर है फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन में क्या है मॉर्टगेज वेंट टू बी बाय अश्योरेंस अश्योरेंस द्वारा कब हो सकता है मॉर्टगेज जब हम प्रिंसिपल मनी जो है वो सौ रुपए से ज्यादा का है अश्योरेंस का मतलब रजिस्टर्ड कब होना चाहिए जब 100 से ज्यादा का है अगर मॉर्टगेज का जो अमाउंट है वो 100 से ज्यादा है या फिर सिंपल मॉर्टगेज है तो उन दोनों ही सिचुएशन में मॉर्टगेज कैसा होगा रजिस्टर्ड होगा और साइंड होगा बाय टू विटनेसेस मॉर्टगेजर जो है वो साइन करेगा और दो विटनेसेस जो है वो मॉर्टगेज को मोर्टिगेज uh, का जो रजिस्ट्रेशन है जो इंस्ट्रूमेंट है उसको साइन करेंगे सौ रुपए से ज्यादा या सिंपल मोर्टगेज दोनों ही कैसे होने चाहिए रजिस्टर्ड होने चाहिए फिर मॉर्टगेज right -er तो का -er, प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकता है जो भी डिपॉजिट किए उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सभी को वापस ले सकता है इसी को बोलते हैं राइट टू रिडीम और ये राइट right जो है वो मॉर्टगेजर -er के पास होती है <coughs> <coughs> इसके बाद है सेक्शन 63 जो कि है एक्सेसशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि अगर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कोई भी नई चीज मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के ऊपर आई है तो वो सब सब किसके पास वेस्ट करेगा मॉर्टगेजर के पास वेस्ट करेगा ये है सेक्शन uh, 63 इसके बाद हम सीधे 67 पे आ जाते हैं जो कि है हमारा फोर क्लोजर राइट टू फोर क्लोजर और सेल तो जब मॉर्टगेज मॉर्टगेज मनी जब ड्यू हो गया है और जब तक मॉर्टगेजर ने इसको रिडीम नहीं कराया जब तक मॉर्टगेजर ने पैसा दे के मोर्टगेज प्रॉपर्टी रिडीम नहीं करी है तब तक जो मॉर्टगेजी है जिससे हमने कर्जा लिया था उसके पास राइट है कि वो फोरक्लोज करवा सकता है फोरक्लोज मतलब कि अब आप रिडीम नहीं करा सकते या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है बट कौन बेच सकता है और कौन कौन फोरक्लोज करा सकता है तो सिर्फ जो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है या फिर अनोमलस मोर्टगेज वाले जो हैं वो ही फोरक्लोजर करा सकते हैं और यूसुफ रक्चरी और कंडीशनल सेल के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं यूसुफ रक्चरी मोर्टगेज वाले और कंडीशनल सेल वाले जो हैं वो मॉर्टगेज मोर्टगेज प्रॉपर्टी का वो हाँ वो सेल नहीं करा सकते ठीक है यूसुफ रक्चरी और कंडीशनल सेल वाले सेल नहीं करा सकते बट कंडीशनल सेल और अनोमलस मॉर्टगेज वाले फोर क्लोजर करवा सकते हैं ये आपका सॉरी ये आपका यहां पर लिखा हुआ है ठीक है जो कि काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है और ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आता है ठीक है इसके बाद ये सब If you want to read, आप पढ़ सकते हो बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीजें समझा रही हूँ और बता रही हूँ जिससे कि आप जब भी अपना ये पढ़े ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि बेसिक चीजें एटलीस्ट क्या है और आपके सी यू टी एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो काफी ही बेसिक चीजें पूछी जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दिया जो हमने अपने सेक्शन थर्टी नहीं सेक्शन फोर्ट थर्टी के अंडर हमने प्रायर मॉर्टगेज की बात करी थी ना तो पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर की प्रायर मॉर्टगेज का जो राइट होता है वो प्रायर होता है बट उसका राइट जो है वो पोस्टपोन हो सकता है वो कब हो सकता है वो सेवेंटी एट में प्रोवाइडेड है जो कि कब होता है जब आ, उसने कोई एडवांस मनी ले लिया कोई निग्लेक्ट करा है प्रायर मॉर्टगेज के साथ फ्रॉड करा है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है अगर उसने प्रायर मॉर्टगेज के साथ कोई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन या निग्लेक्ट करा है तो उसकी जो राइट है वो सबसेक्वेंट हो जाती है यही है आपका सेक्शन सेवेंटी एट इसके बाद 81 वन कॉन्ट्रीब्यूशन एट्टी एटी वन मार्शलिंग सिक्योरिटीज हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमने अगर uh, कोई प्रॉपर्टी है जो एक इंसान को बेची है और वही सेम प्रॉपर्टी दो तीन लोगों को मोर्टेज है और साथ में एक और प्रॉपर्टी है जो मोटगेज है तो जिसको बेची है वो क्या बोल सकता है कि जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें से आप अपना मोर्टगेज रिडीम करवा लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू मोर्टगेज डेट अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई अः uh, मोर्टगेज लिया है तो जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लिया है उस हिसाब से ही वो पैसा लौटाएंगे रेटेबली लौटाएंगे या रेटेबली उसका इंटरेस्ट पे करेंगे यही है कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉर्टगेज डेट इसके बाद हम सीधे 91 पर आ जाते हैं पर्सन हू मेस यू फॉर रिडेम्पशन रिडेम्पशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ऑब्वियसली मॉर्टगेजर तो कर ही सकता है बट मॉर्टगेजर के अलावा कौन कौन कर सकता है कोई भी पर्सन जिसका कोई भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी रिडीम कराने में जिसका कोई भी इंटरेस्ट है या जिसका कोई भी चार्ज है प्रॉपर्टी के ऊपर वो इंसान जाके प्रॉपर्टी रिडीम करा सकता है दूसरा कोई भी श्योरिटी है फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज रेट कोई भी श्योरिटी है किसी ने भी गारंटी ली है अगर मेरे मॉर्टगेज रेट की तो वो इंसान पैसा पे करके उसको रिडीम करा सकता है कोई जो क्रेडिटर है मॉर्टगेजर का और जिसको साथ में एक डिक्री मिल गई है फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कोई है जिससे मैंने कर्जा ले रखा था वो आके मेरी प्रॉपर्टी रिडीम करा सकता है और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है अगर उसको डिक्री मिल गई है कोर्ट से फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी तो तीन लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि रिडीम करा सकते हैं प्रॉपर्टी अब ये तीन में से कोई भी अगर प्रॉपर्टी रिडीम कराएगा तो इनका इनके पास वो राइट चला जाएगा जो की मॉर्टगेजर के पास राइट था प्रॉपर्टी रिडीम करवाने के बाद मॉर्टगेजर के पास राइट होता है कि उसको प्रॉपर्टी वापस मिल जाए कि उसको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाए तो वही राइट जो है वो इन तीनों के पास चला जाएगा और इसी को बोलते हैं सेक्शन 92 में सबरोगेशन <coughs> तो ये लीगल सबरोगेशन जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो लीगल सबरोगेशन बताता है लीगल सबरोगेशन क्या है कि जब किसी भी पर्सन ने श्योरिटी ने या क्रेडिटर ने प्रॉपर्टी रिडीम कराई है तो उसके पास मोटिगेजर की सारी की सारी राइट्स चली जाएंगी उसके बाद जो सेकंड है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल सब्रोगेशन की बात करता है जो कि क्या कहता है जो सेकंड पैराग्राफ है ये बात करता है की जो ये कहता है कि अगर मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था और उसके बेसिस पे किसी इंसान ने मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी रिडीम करा ली है तो उसके पास भी मेरी सारी की सारी की राइट्स चली जाएंगी ठीक है ठीक <laughs> है फिर सेक्शन हंड्रेड पे आते हैं चार्जेस सेक्शन हंड्रेड क्या है चार्जेस क्या बोलता है कि चार्जेस कैसे हो सकता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है ये मॉर्टगेज नहीं होता है बट इस पे सारे के सारे मॉर्टगेज से रिलेटेड जितने भी सिंपल मॉर्टगेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सभी इस पर अप्लाई होते हैं अगर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मैंने कोई पेमेंट ऑफ मनी के लिए किसी चीज को सिक्योरिटी की तरह दिया है तो वही होता है आपका चार्ज और इस पे सिंपल मॉर्टगेज के सारे ही रूल्स अप्लाई होते हैं ठीक है फिर इससे रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स बनाने हैं तो हाईकोर्ट बना सकता है रिलेटेड मतलब अगर कोई भी रूल्स बनाने तो बना सेक्शन फिर होंगी क्या होती है कोई चीज किराए पे देना उसको हम क्या कहते हैं लीज कहते हैं तो अगर कोई पर्सन है जो मैं मेरी प्रॉपर्टी है मैंने आपको किराए पे दी है तो मैं कौन हूँ मैं लेसर हूँ आपको दिया आप कौन है लेस ही ठीक है और जो प्रॉपर्टी है वो लीज प्रॉपर्टी है अब इसमें क्या होता है एक राइट टू एंजॉय जो है वो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ मैं पूरी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ राइट right टू एंजॉय प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ एक टाइम के लिए एक साल के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है छह महीने के लिए मैंने आपको लीज पर दिया है तो क्या है एक सर्टेन टाइम होता है इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइज पेड और प्रॉमिस एक प्राइज है जो आप पहले से पे करोगे या जो प्राइज है वो पहले से प्रॉमिस है और दूसरा एक और प्राइज होता है जो की पीरियोडिकली पे किया जाता है है वो कैसा हो सकता है मनी हो सकता है शेयर ऑफ क्रॉप्स हो सकता है सर्विस हो सकती है या ऐसी कोई भी दूसरी चीज हो सकती है ठीक है अब ये जो प्राइस पेड है और promise है जो स्टार्टिंग में कोई प्राइस है जो मैंने दिया है तो इसको क्या कहते हैं इसी को कहते हैं प्रीमियम और ये जो अमाउंट पीरियोडिकली दिया जाता है इसको कहते हैं रेंट ठीक है तो ये होती है लीज और जिसने और जिसने प्रॉपर्टी दी है वो लेसर है और जिसको प्रॉपर्टी दी गई है वो है लेसी अब 106 कहता है कि अगर ये जो लीज है ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए तो ये कितने ड्यूरेशन की होगी ये लीज होगी छह महीने की और ये सॉरी ये लीज होगी ईयर टू ईयर एक साल की और इसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है छह महीने का नोटिस देके एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग लीज को टर्मिनेट किया जा सकता है और बाकी जितनी भी लीजेस होती हैं वो सब कैसी होती हैं वो मंथ टू मंथ चलती हैं एक एक महीने के लिए चलती है और उनको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है पंद्रह दिन का नोटिस दे के उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है अब जो लीजेस हैं वो कैसे बनाई जाती है सेक्शन हंड्रेड सेवन कहता है कि अगर एक साल की लीज है ईयर टू ईयर लीज है एक साल से ज्यादा की लीज है या फिर कोई ऐसी लीज है जिसमें कि हमें साल भर का किराया एक बार में मिलता है ईयरली रेंट मिलता है तो वैसी सारी ही लीजेस एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाई जाएंगी और उसके अलावा जो भी लीजेस हैं वो कैसे बनाई जा सकती हैं बाय डिलीवरी ठीक है ओरली बनाई जा सकती हैं ओरली बनाई जा सकती हैं एंड बाय डिलीवरी ऑफ पजेशन बनाई जा सकती है एक सौ आठ में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेस दिया हुआ है इसके बाद 111 पे आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लीज लीज खत्म कैसे होती है अगर जो टाइम फिक्स है लीज के लिए कि मैंने आपको छह महीने के लिए लीज पे दिया है तो जैसे ही वो छह महीने का टाइम खत्म होगा बाईल ऑफ टाइम तो लीज क्या होगी वो भी टर्मिनेट हो जाएगी दूसरा हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे अगर लीज टर्मिनेट होनी है तो आप अगर, अगर वो इवेंट हो गया तो फिर लीज टर्मिनेट हो जाएगी तीसरा क्या है अगर जो लेसर का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में मेरी जो प्रॉपर्टी है वही बिक गई है तो फिर मैं लीज पे नहीं दे सकती तो लेसर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में टर्मिनेट हो गया है तो लीज जो है वो खत्म हो जाएगी मर्जर के थ्रू लीज खत्म हो जाएगी मर्जर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो मेरी प्रॉपर्टी थी जो एक प्रॉपर्टी मैं आपको लीज पे दे रही थी वही आ, वो प्रॉपर्टी अब आप आपको भी मिल गई है हम दोनों उस प्रॉपर्टी के ओनर बन चुके हैं तो अब मैं वो प्रॉपर्टी आपको लीज पर नहीं दे सकती बाय एक्सप्रेस सरेंडर अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू मैंने वो प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी है और आ, मतलब जो लेस है उसने वो प्रॉपर्टी सरेंडर कर दिया और उसको लीज नहीं चाहिए बाय एम्प्लॉइड सरेंडर उसका कोई कंडक्ट ऐसा है या काम ऐसा है जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो जो लीज है वो खत्म हो रही है

फोर फीट हो जाती है या फिर अगर जो नोटिस है अगर मैंने पहले से नोटिस दे दिया है कि इस ये नोटिस है तीस महीने में तुम्हारी लीज खत्म हो तीस दिन में तुम्हारी लीज खत्म हो जाएगी तो वो नोटिस का पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब भी आपकी लीज भी खत्म हो जाएगी इसके बाद जो आपका सेक्शन 115 है ये कहता है इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फोर फीचर अगर सरेंडर किया है मैंने अगर लीज जो है वो सरेंडर हुई है तो जितने भी अंडर लेसीज हैं अंडर लेसीज है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी में खत्म नहीं होगा अंडर लेसी क्या होते हैं जिनको हम सब टेनेंट कहते हैं मतलब सब टेनेंट जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके के अंडर लेसीज होते हैं तो अगर कोई अंडर लेसी है प्रॉपर्टी का तो उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं होगा अगर जो लीज है वो डिटरमाइन हुई है कैसे सरेंडर के थ्रू डिटरमाइन हुई है तो पर अगर लीज फोर फीचर के थ्रू डिटरमाइन हुई है जहां पे मेरा ही टाइटल चैलेंज कर लिया था या फिर जहां पे कोई ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन हुआ है तो जो अंडर लेसीज है उनके भी राइट्स लीज के अंदर खत्म हो जाते हैं सेक्शन 116 जो है वो इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर की बात करता है और कहता है कि अगर जो टर्म है लीज का वो टर्म खत्म हो गया और उसके बाद भी जो ई फ्लक्स ऑफ टाइम वाली बात की थी ना हमने ई फ्लक्स ऑफ टाइम वाली एक पीरियड है और वो जो पीरियड है वो खत्म हो गया है उसके बाद भी जो lessee है वो अभी भी पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी, तो जो लीज है वो कंटिन्यूड मानी जाएगी until and unless, लेसर उसको स्पेसिफिकली बाहर ना निकाले या लेसर कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि लीज जो है वो कंटिन्यूड दिखे जो लेसर का कंडक्ट है उससे हमें पता चले कि जो लीज है वो अभी भी चल रही है तो यही होता है इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर जैसे कि छह महीने की लीज थी छह महीने खत्म हो गए सातवां महीना शुरू हुआ और मैंने जाके मेरे लैंडलॉर्ड को किराया दे दिया तो क्या है ये जो लीज है ये कंटिन्यूड लीज मानी जाएगी और इसी को कहते हैं इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर यह जो चैप्टर है आपका लीज से रिलेटेड एग्रीकल्चरल पर्पेस पे अप्लाई नहीं होता ये 117 में दिया है अब हम आ जाते हैं चैप्टर सिक्स जो कि है एक्सचेंजेस एक्सचेंज क्या होता है सेक्शन हंड्रेड एटीन में दिया है जब हम किसी एक चीज की ओनरशिप किसी दूसरी चीज के साथ ट्रांसफर करते हैं अब सेल और एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सेल में क्या होता है एक प्रॉपर्टी होती है और एक तरफ पैसा होता है और एक्सचेंज में क्या है दोनों तरफ या तो प्रॉपर्टी है या तो दोनों तरफ पैसा है एक्सचेंज कैसा हो सकता है मूवेबल का भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक्सचेंज हो सकता है जबकि सेल किसकी हो रही थी सेल सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही थी ठीक है तो या तो दोनों ही चीजें चीजें हैं या फिर दोनों ही चीजें पैसा है एक तरफ पैसा है एक तरफ प्रॉपर्टी है तो वो एक्सचेंज नहीं होती वो सेल हो जाता है ठीक है अब राइट्स क्या है उसकी वो एक में दी हुई है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज इसमें सेलर और बायर जैसी ही होती है सेलर और बायर की जैसी राइट्स और लाइबिलिटीज होती है वैसी ही एक्सचेंज में होती है और अगर हम एक्सचेंज ऑफ मनी की बात करें तो जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो माना जाएगा कि दोनों लोग जो पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं वो पैसा कैसा है जेन्युविन है ओके okay? ठीक है 122 गिफ्ट है गिफ्ट भी कैसा हो सकता है ये भी दोनों प्रॉपर्टीज का हो सकता है मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है गिफ्ट क्या होता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब कोई वॉल्टरली बिना किसी कंसिडरेशन के बिना किसी पैसे के किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं गिफ्ट कहते हैं जो ट्रांसफर कर रहा है जो ट्रांसफरर है उसको कहा जाता है डोनर और जिसको गिफ्ट दिया गया है उसको क्या कहा जाता है उसको डोनी कहा जाता है तो जब मैंने आपको गिफ्ट दे दिया तो आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे जब डोनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है गिफ्ट तब जो है वो ट्रांजेक्शन पूरा होता है और वो गिफ्ट कहलाता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिना कंसिडरेशन के बिना किसी पैसे के एक इंसान जो कि डोनर है वो दे रहा है डोनी को और डोनी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इसमें जरूरी है कि जब जो गिफ्ट है वो कब दिया जाए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर दिया जाए और जब वो कैपेबल है देने के जब वो लायक है तब दिया जाए और और क्या जो डोनी है उसको भी एक्सेप्ट करना होता है गिफ्ट कब करना होता है मरने के पहले और अगर वो मर जाता है गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले तो गिफ्ट जो है वो वॉय हो जाता है डोनर कैसा होना चाहिए केपेबल होना चाहिए गिफ्ट देने के और साथ ही साथ जिंदा तो होना ही चाहिए और डोनी क्या होना चाहिए उसको भी गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए जिंदा होना चाहिए अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले डोनी आपका मर गया तो गिफ्ट जो है वो वॉयड हो जाता है फिर है वन ट्वेंटी थ्री की गिफ्ट का ट्रांसफर कैसे इफेक्ट किया जाएगा तो गिफ्ट का जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बनाया जा रहा है तो कैसे होगा बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि साइन होगा बाय द डोनर डोनर मतलब जो दे रहा है वो उसको साइन करेगा और एटलीस्ट दो विटनेसेस जो है वो उसको अटेस्ट करेंगे बट मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी गिफ्ट है सोना चांदी वॉट जो भी आप दे रहे हो अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है और वो कैसे होगा डिलीवरी के थ्रू होगा ठीक है 124 बोलता है कि अगर गिफ्ट में एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और एक फ्यूचर प्रॉपर्टी है तो जो फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेटेड गिफ्ट है वो वॉइड होगा जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से रिलटेड गिफ्ट है वो वैलिड होगा 125 बोलता है गिफ्ट टू सेवरल जिसमें से कुछ लोग हैं हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो जिन लोगों ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया उनके लिए वैलिड है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए वॉइड है ठीक है छब्बीस <coughs> बोलता है व्हेन गिफ्ट में भी सस्पेंडेड और रिवोक गिफ्ट को सस्पेंड भी किया जा सकता है गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है पर पर अगर आप गिफ्ट को सस्पेंड और रिवोक कर रहे हो तो ये विम्स एंड फैंसीज ऑफ़ द डोनर पे नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ डोनर की इच्छा के हिसाब से गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक नहीं किया जा सकता सॉरी गाइस, आज मैं बहुत पानी पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा थ्रोट इनफेक्शन ठीक है आ, तो डोनर की इच्छा के हिसाब से सस्पेंड या रिवोक नहीं किया जा सकता बट अदरवाइज अगर नॉर्मली सस्पेंड या रिवोक हो रहा है तो कैसे रिवोक हो सकता है जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो रहा था उस तरीके से ही गिफ्ट जो है वो रिसाइंड हो सकता है या रिवोक हो सकता है ठीक है और जो गिफ्ट है अगर वो जिस एक्सटेंड तक डोनर की विशेष के अकॉर्डिंग रिवोक हो रहा था या सस्पेंड हो रहा था उस एक्सटेंड तक वो गिफ्ट वॉइड है ठीक है फिर 127 बात करते हैं ओनरियस गिफ्ट की अगर कोई गिफ्ट है जिसमें से कि एक पार्ट जो है वो उस उसमें कुछ ऑब्लिगेशन है या कुछ बर्डन है और दूसरा पार्ट जो है वो उसमें कोई ऑब्लिगेशन और बर्डन नहीं है तो अगर कोई इंसान है जो आपको दोनों को मिला के गिफ्ट दे रहा है तो आप चाहो तो आप सिर्फ गुड पार्ट का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो और बैड पार्ट का गिफ्ट डिनाई कर सकते हो और अगर आप पूरे का एक्सेप्ट करते हो एज अ गिफ्ट तो जो ओनीरियस गिफ्ट है जिसमें ऑब्लिगेशन अटैच है उस ऑब्लिगेशन को भी आपको पूरा करना पड़ेगा यही है ओनेरियस गिफ्ट पर अगर जो डोनी है जिसको आप दे रहे हो वो कोई डिसेबिलिटी या वो अनसाउंड माइंड का है या वो चाइल्ड है और वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो जब वो मेजर हो जाएगा या जब वो सेन हो जाएगा उस टाइम पे वो चाहे तो वो ओनेरियस गिफ्ट को डिनाई कर सकता है बट अगर वो डिनाई नहीं करेगा तो वो भी लाइबल होगा ठीक है फिर आपका 128 जो की बात करता है यूनिवर्सल डोनी की यूनिवर्सल डोनी कौन होता है जिसको मैंने सारा का सारा मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है किसी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अगर किसी को गिफ्ट कर दे तो जो जिसको गिफ्ट कर रहा है वो होता है यूनिवर्सल डोनी यूनिवर्सल डोनी के पास लाइबिलिटीज कैसी होती है जिस, जिस एक्सटेंड तक उसके पास प्रॉपर्टी आती है गिफ्ट में जो भी प्रॉपर्टी आई है जितनी प्रॉपर्टी उसके पास आई है उतनी उतने अमाउंट के लिए वो लाइबल है जितनी भी लाइबिलिटीज है उन सबके लिए वो लाइबल होता है 129 है सेविंग्स ऑफ अगर किसी ने डेथ बेड के ऊपर कोई गिफ्ट बनाया है क्योंकि उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं होता है और साथ में ही मोहम्मदन लॉ पे मुस्लिम लॉ पर भी ये कॉन्सेप्ट जो गिफ्ट का प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं है <laughs> अब हमारा लास्ट चैप्टर है ये क्या है ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग राइटिंग में होगा इंस्ट्रूमेंट और साइंड होगा बाय द ऐसे होगा ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर के बाद एक्शनेबल क्लेम का एक नोटिस है जो कि उसको दिया जाएगा जिसके अगेंस्ट हमें एक्शनेबल क्लेम क्या कराना है जिसके अगेंस्ट हमें एक्शनेबल क्लेम एक्सरसाइज करना है उसको एक नोटिस देगा ट्रांसफर या उसका एजेंट देगा और अगर ट्रांसफर या उसका एजेंट नहीं देता है तो फिर ट्रांसफर या उसका एजेंट ही यह नोटिस दे सकता है इसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम ठीक है इसके बाद सीधे 136 पे आते हैं 136 क्या कहता है इनकेपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी ऑफिसर्स हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस से एसोसिएटेड जज लीगल प्रैक्टिशनर या कोई भी ऑफिसर जो भी कनेक्टेड है कोर्ट ऑफ जस्टिस से वो सब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर नहीं करा सकते और 137 कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है आपका वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है स्टॉक्स पर शेयर्स पर और डिबेंचर्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है तो यही था हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमने एक नजर मार ली है पूरे एक्ट पर जो कोर कोर कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं ठीक है आप खुद से पढ़ सकते हैं आप जाके तो थोड़ा बहुत आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा